हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्री गंगानगर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मुस्लिम लॉ, दैट इज़ रूल्स रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ. तो मुस्लिम लॉ के अंडर प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन के क्या रूल्स हैं? एक इंटेस्टेड पर्सन ख़त्म हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी की जो है डिस्पोजिशन जो है कैसे होती है, इसको ही हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी क्या होती है और वो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये आप समझेंगे. आपने हिंदुओं में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ा, तो हिंदुओं में जो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन है एक इंटेस्टेड पर्सन की, वो अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है क्लास वन हायर में, क्लास सेकंड हायर में, आफ्टर द एग्नेट कॉग्नेट, और फाइनली प्रॉपर्टी जो है जो गवर्नमेंट को चली जाती है अगर ऊपर कोई भी नहीं है तो. सेम इसी केसेस में अगर हम यहाँ पे मुस्लिमों के रूल्स पढ़ेंगे प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इसको समझेंगे. पहले द रूल ऑफ सक्सेशन अंडर मुस्लिम लॉ आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू लॉ, बिल्कुल अलग है, इसमें कोई शक नहीं है. द इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ इज जनरली इफेक्टेड बाय द जनरल रूल ऑफ मुस्लिम लॉ. मुस्लिम लॉ के जो रूल है वो इफेक्ट होते हैं, ऑब्वियसली बात है, पर्सनल लॉ है इंडिया में. देयरफॉर दे आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड, तो इसलिए इनको समझना जरूरी है. जनरल रूल्स है क्या, एक बार हम जनरल रूल को स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे भी क्या क्या जनरल रूल्स हैं. नो डिफरेंस हैज़ बीन मेड इन द मुस्लिम लॉ बिटवीन द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग सक्सेशन. मुस्लिमों में एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं है. अगर आप हिंदू लॉ में जाएं तो वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग है और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका जो है अलग है. तो एक तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है हिंदुओं में प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का और मुस्लिमों की प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का. तो पहले वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेथड हैं वो दोनों अलग अलग हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो प्रॉपर्टी वो छोड़ जाता है वो सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है. द एंसेस्ट्रल सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हैज इक्वल इंपॉर्टेंस इन मुस्लिम लॉ. मुस्लिम हिंदुओं में आपने देखा कि वहाँ पे सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वहाँ पे वारिस कोई और होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम है, दोनों ही प्रॉपर्टी सेम ही कंसिडर की जाती है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. दिस इज नो कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली इन द मुस्लिम मुस्लिम फैमिली में ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट नहीं है. ये आपको याद रखना है, कोई भी ज्वाइंट फैमिली नहीं होती है क्योंकि बाय बर्थ कोई भी राइट नहीं होता, तो बाय ज्वाइंट फैमिली भी वहाँ पर नहीं होती है. बाय राइट बाय बर्थ का कोई भी सेगमेंट यहाँ पर नहीं, कोई सम हाउ ये दया भाग की तरह है. दया भाग में भी एट द टाइम ऑफ डेथ ही पर्सन को आगे प्रॉपर्टी की संभावना रहती है. मुस्लिमों में भी आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, जब तक फादर है किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे भी बाय बर्थ राइट का सिस्टम नहीं है, बाय डेथ का सिस्टम यहाँ पे है. आगे है द सक्सेशन ओपन्स आफ्टर द डेथ हो, तो हमेशा जो उत्तराधिकार लॉ है वो तभी स्टार्ट होता है जब किसी पर्सन की डेथ वहाँ पर हो जाती है. द राइट ऑफ सक्सेसर इज वेस्टेड इन द प्रॉपर्टी ओनली एट द टाइम ऑफ द पर्सन की, मुस्लिम पर्सन की प्रॉपर्टी में उनके वारिसों का राइट तभी बनता है जब उसकी डेथ हो जाती है. तो द इनसैनिटी ब्लाइंडनेस एग्जिस्टेंस आर, हिंदुओं में ये पहले डिस्क्वालिफिकेशन थी किसी पर्सन किसी हायर को प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस से रिलेटेड, कि अगर उसमें इनसैनिटी है, ब्लाइंडनेस एग्जिस्टेंस है, तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. लेकिन अंडर द मुस्लिम लॉ ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हिंदुओं में भी ऐसा नहीं है. व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द मुस्लिम ऑन द डेथ इज हिज इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी. देखिए, इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी वही मानी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर्टी वही मानी जाएगी जब उस प्रॉपर्टी में से इन खर्चों को निकाल लिया जाएगा. तो और ये खर्चे कौन है, फनल, उसका जो फनल सेरेमनीज होगी उसके सारे खर्चे, इसके अलावा लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द कोर्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी की बसीत है उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका खर्चा पहले निकाल लिया जाएगा. वेजेस फॉर द पर्सन, अगर वो बीमार था तो उसके लिए जो उसने अपने लिए कोई नौकर रखा था पर्सनल सर्विस के लिए, तो उसकी सैलरी निकाली जाएगी. इसके अलावा अगर उसने कोई डेब्ट कोई कर्जे लिए थे वो उस प्रॉपर्टी में से निकाले जाएंगे, और अगर उसने कोई वसीयत कर रखी थी, कोई विल कर रखी थी, कोई डिस्पोजिशन कर रखी थी, तो उस टेस्टामेंट्री पावर के अकॉर्डिंग 1/3 प्रॉपर्टी जो है पहले ही निकाली जाएगी, क्योंकि वसीयत में जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 कर सकता है अंडर मुस्लिम लॉ. ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारे खर्चे जो हैं इससे पहले निकाल लिए जाएंगे, अब जो प्रॉपर्टी बचेगी वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी. ये आपको याद रखना. इन मुस्लिम लॉ द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट बीन रिकॉग्नाइज, अंडर द मुस्लिम लॉ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं किया जाता. मैंने आपको बताया था कि हिंदुओं में क्या होता है कि अगर फादर है और फादर के आगे दो सन हैं और सन के आगे दो सन हैं,
और यहाँ पे इस सन की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो इसका हिस्सा होगा इसके सन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको हम रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ में ये फॉलो नहीं किया जाता है। मुस्लिम लॉ में अगर फादर वहाँ पे बैठा हुआ है और आगे उसके दो बच्चे हैं सन और सन, उसके आगे भी दो बच्चे हैं सन एंड सन, और यहाँ पे मान लीजिए सन की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉलो नहीं होगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि फादर के लाइफ टाइम में इस फादर की डेथ होगी तो बीच की जो जो चेन थी वो ख़त्म होगी। रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे फॉलो नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो अगर मान लीजिए फादर से पहले सन की डेथ हो जाती है जिसका हिस्सा आगे मिलना था, तो क्योंकि सन यहाँ से गायब हो गया तो अब इनकी सीधी रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही है, इसलिए मुस्लिम लॉ में रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉलो नहीं होता। हिंदुओं में होता है कि अगर फादर नहीं है तो उनके बच्चों को शेयर चला जाता है, अगर बच्चे नहीं तो उनके बच्चों को शेयर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये है आपके पास। इसके अलावा तो ये है आपके पास, इसके अलावा हाँ कुछ केस लॉज हैं। अब्दुल राशिद वर्सेस सिराजुद्दीन 1953, इट वाज हेल्ड दैट देयर इज नो थिंग लाइक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये पहले मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लॉ में किसी तरह की जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट नहीं होता है इनहेरिटेंस से रिलेटेड। मुख्तियार अहमद वसी महमूदी खातून AI 2011 झारखंड हाईकोर्ट केस, इसमें भी ये बोला है कि मुस्लिमों में जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। इफ़ प्रॉपर्टी इज़ द नेम ऑफ वुमेन देन इट विल बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, अगर वुमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी और ये प्रॉपर्टी जो है उसके बच्चों को मिलेगी उसके मरने के बाद। इन द केस ऑफ हमीद वसी जामीला इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द केरला हाई कोर्ट दैट द चांस ऑफ मोहम्मडन हायर सक्सीडिंग टू द एस्टेट इज मेयर स्पेस सक्सेशन इज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे बोली है कि अंडर द मुस्लिम लॉ जो हायर होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनको प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी का राइट जो मिलता है वो सिर्फ एक संभावना होती है। हो सकता है फादर अपना सारे प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर जाए तो उस कंडीशन में उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि फादर प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट मालिक है, जब तक वो बैठा है किसी का कोई शेयर नहीं है। इट मीन्स फादर अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है, अगर वो बेच जाता है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा और अगर वो नहीं बेचता है तो कुछ संभावना होती है। द स्पेस सक्सेशनीज का मतलब ये होता है कि होप है कि उनको प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो हामिद वसी जामिला केस में केरला हाईकोर्ट में ये बोला कि सिर्फ मुस्लिमों में प्रॉपर्टी का जो राइट है वो सिर्फ क्या है, स्पेस सक्सेशनीज है और कुछ नहीं है। अब्दुल वाहिद वसीज नूरानी बीबी के केसेस में इट वॉज हेल्ड बाय द बर्थ राइट, बर्थ राइट भी जो है मुस्लिम लॉ में कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, सब हिंदुओं में है। इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, तो यहाँ पे ये बताया होगा इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी वही है जब ये सारे एक्सपेंसेस जो इसमें निकाल दिए जाते हैं फिर जो प्रॉपर्टी बचती है वही। तो एक मुस्लिम मेल के मुस्लिम पर्सन के ख़त्म होने के बाद जो प्रॉपर्टी उसकी है उसमें से पहले ये सारे खर्चे निकाले जाएंगे जो आपने फिर पहले भी स्टडी किए, जो है उसका अंतिम संस्कार का खर्चा, कोर्ट से कोई लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, या फिर उसने कोई नौकर रखा था उसकी तो जो तनख्वाह वगैरह थी वो थी, अगर उसने कोई कर्जे ले रखे थे या उसने कोई वसीयत कर रखी है 1/3, तो ये सारी चीज़ें अगर उसने की हैं तो पहले इनको निकाल लिया जाएगा फिर जो प्रॉपर्टी बचेगी वही इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये आपको याद रखना। इसके अलावा इनहेरिटेंस ओपन कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनहेरिटेंस ओपन होती है आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, एज सुन एज फादर इज अलाइव देयर इज नो राइट ऑफ प्रॉपर इनहेरिटेंस। अगर फादर साहब जब तक जिंदे हैं, एक मुस्लिम पर्सन जब तक जिंदा है तब तक चाहे वो फादर हो मदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिसका हिस्सा है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो जब तक एक मुस्लिम पर्सन जिंदा है किसी का भी उसकी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है, उसके मरने के बाद ही प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेंस में जाती है और तभी इनहेरिटेंस ओपन होती है, ये आपको याद रखना है। इमामुल हसैन वसी चौधरी वसी स्टेट ऑफ बिहार के केसेस में ये बोला गया, पटना हाईकोर्ट ने बोला दैट द मुस्लिम लॉ सच इंटरेस्ट ऑफ राइट क्रिएट्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर और सन इन द लाइफ टाइम ऑफ नो राइट इन ऑफ द सन इन द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। तो यहाँ पे साफ बोला बिहार हाई कोर्ट ने कि जब तक एक मुस्लिम पर्सन वहाँ पे है उस प्रॉपर्टी में उस सन का कोई भी हिस्सा नहीं है। मैंने पहले बताया आपको, हाई कोर्ट ने पहले ही बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट इज स्पेस सक्सेशनीज, एक होप है कि प्रॉपर्टी मिल सकती है वो भी अगर फादर ने जो अगर किसी को वसीयत नहीं की है और या फिर किसी को गिफ्ट नहीं किया है। गिफ्ट वो सारी प्रॉपर्टी का कर सकता है लेकिन वसीयत वो 1/3 कर सकता है। तो अगर उसने प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी है, वो उसका मालिक है, किसी उसकी प्रॉपर्टी में बाय बर्थ हिस्सा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है
और जब वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है तो फिर एक संभावना ही रही उनकी अपनी फैमिली को कि क्या प्रॉपर्टी मिलेगी कि या नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं बेच के जाता है तो मिल सकती है, अगर वो विल करता है तो 1/3 निकाल के भी जो बचेगा उसका जो है उसको मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना। तो आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है अंडर मुस्लिम लॉ, इसको नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। थैंक यू सो मच।